उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है, तो वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी ठंड से गरीब बेबस मजलूम लोग खुले आकाश के नीचे रातें गुजारने को मजबूर है। लेकिन गरीब और मजलूमों को लेकर स्थानीय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। वहीं शहर की सामाजिक संस्था सारथी ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए गरीब और मजलूमों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वहीं संस्था की ओर से धर्मनगरी के विभिन्न स्थानों पर कड़ाके की सर्दी से बेहाल गरीबों को कंबल व गर्म कपड़े भी वितरित किए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से संस्था से जुड़े तमाम सदस्य रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, त्रिवेणी घाट सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात को आश्रय विहीनों की सेवा में जुटे हैं। उत्तराखंड के साथ ऋषिकेश भी जबरदस्त सर्दी की चपेट में है, लेकिन प्रशासन की ओर से गरीबों की मदद को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं आश्रय विहीनों को ठंड की मार से बचाने के लिए अलाव तक की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। इन सबके बीच सारथी संस्था ने गरीबों की मदद के लिए जिस तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, वो न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि समाज सेवा के नाम पर सुर्खियां बटोरने वाली अन्य संस्थाओं के लिए भी आईना दिखाने का काम कर रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की ये खास रिपोर्ट। मुहिम चलाई जा रही है कि ठंडी के मौसम में जनवरी और दिसंबर के माह में शीतलहर चलती है, चाय बिस्किट वगैरह का हमारा घाटों पर स्टेशनों पर बांटने की मुहिम चलती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे ऋषिकेश में तीर्थ स्थल के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, पर ना कोई यहाँ कोई रहन बसेरे की व्यवस्था है और ना ही कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी खास व्यवस्था दी जाती है हमारे ऋषिकेश के लिए कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपनी रात बिता सके। इसलिए हम लोग आधी आधी रात तक जो बस स्टैंड है, स्टेशन है, त्रिवेणी घाट है, सब जगह जाकर इन लोगों की सेवा करते हैं।